फकीरता बे बला उफ्ता द कश्ती सईफानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक भाजे उस्मान हारू मदद कुनिया मोइनु म्यूजिक स्टार्ट रखा है इसीलिए कि एक जो मूड बन चुका है वो मूड बना रहे। तो चांद भाई ने बेहतरीन दोनों कलाम आपको सुनाए। अब ये गुलाम गरीब नवाज का क्या कह रहा है आजकल, ये बड़ा हमारा शेर हिट चल रहा है। गरीबों को दिल से लगाते हैं ख्वाजा, मुझे लग रहा है कि हमें हम कव्वालों को आइंदा 2-3 साल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा तो गाता हुआ है। गरीबों को दिल से लगाता है ख्वाजा, के सोया नसीबा जगाता है ख्वाजा, दुआ मांगो जा करके ख्वाजा पिया से। देता खुदा है दिलाता है शेर। तो मिसरे अभी चांद भाई को सुनते सुनते, क्योंकि भाई ये हमारे सीनियर लोग हैं और इन लोगों ने इतना गाया है और हमने इतना सुना है इन लोगों को कि आज भी मज़ा आता है, मौला सलामत रखे। मगर तो मिसरे ऐसे कह के रखे हैं मैंने कि वो आज की रात का जितनी भी कमेटियां यहाँ बैठी हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुलाकातें हैं, तो वो अभी मत निकालना, तो मेरे जवान ने अभी तो शुरुआत करी है, अभी तो हरा आया, अभी तो लाल लाल आएंगे। वो अपने आप में ऐसी मिसाल रखता है, वो अपने आप में ऐसी। अब मतलब पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाज रखना मेरे अल्लाह के हाथ में, बेशक पब्लिक के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कव्वाल के हाथ में तो कुछ है नहीं, जिनका नाम लेना है वो जाने, क्योंकि इतनी देर सुन करके और देख करके ऐसा लगा कि शायद ये पढ़ना चाहिए। वो अपने आप में ऐसी मिसाल रखता है, वो अपने आप में ऐसी मिसाल रखता है, वो अपने आप में ऐसी मिसाल रखता है। सैयदा सही
सच्चा हमारा ख्याल रखे तो इस बात से कौन कौन सहमत है, क्योंकि ये निस्बत वालों की महफिल है, पूछना वाजिब है मेरे ऊपर, क्योंकि यहाँ अहले निस्बत बैठे हैं, कोई वारसी है, कोई साबरी है, कोई निजामी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई आला हजरत साहब का मुरीद है, और सफीपुर शरीफ भी करीब है, रुदौली भी करीब है, घर में आके बैठा हूँ हज में रौनाई, हाँ अरे बहराई शरीफ में हुजूर, अरे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा इशा शरीफ बेशक सैयदा फातिमा ज़हरा का लाल रखता है, हमारा ख्वाजा हमारा ख्वाजा हमारा ख्याल रखता मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, मगर जितने भी मेहमान यहाँ आए हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सब हमारी शान है। फिरोज भाई नुमानी साहब लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, खास में नुमानी साहब कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग पढ़े हमको पढ़े रहते हैं, ऐसे ख्वाजा से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े फूल तो क्या, फूल तो क्या कोई पत्ता ना उखड़ने देंगे, फूल तो क्या कोई पत्ता ना उखड़ने देंगे, फूल तो क्या कोई पत्ता ना उखड़ने देंगे, अपनी निस्बत पे कोई रंग ना चढ़ने देंगे, फूल तो क्या कोई पत्ता ना उखड़ने देंगे, वो मेरा दामन हस्ती ना उजड़ने देंगे।
कोई रंग ना चढ़ने देंगे, फूल तो क्या कोई पत्ता ना उखड़ने देंगे। मेरा